है, बारात आ गई है और हम लोग अभी भाई तैयार हो गए हैं। फिलहाल कुछ लोग अभी तैयार हो रहे हैं और अभी तो हम बारात का स्वागत कर रहे हैं। आज के बाद है दुल्हन के साथ भी जाना है। फिलहाल यहाँ पर दुल्हन और दुल्हन की सहेलियाँ वीडियोग्राफी और फोटो शूट कर रही हैं। तो गाइस को इस तरह से मैं तैयार हुआ हूँ मोनिका के साथ ऊपर वाले चौक में दुल्हन और यहाँ पे वीडियोग्राफी। अब तो हम फोटो खींचेंगे। तो गाइस ये है जो 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 इधर यहाँ भागती रहती है हमारी बहना, लंबी लंबी बहना। अरे भाई रेनो ये बिल्कुल लग रही है, सुंदर लग रही है ना। मौसम बिगड़ा हुआ है वैसे, ये भी बिगड़ जाती है कई बार। सोना मोना सोना सोना और जोना कब्बू भाई। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। भाई यहाँ पर सारे लोग स्वस्थ है, मस्त है और मोनिका की बारात की स्वागत की तैयारी में व्यस्त है। चले जी, मैं सुरेंद्र सिंह रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने आज के नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई फिलहाल यहाँ पे देवता के बॉन्ड से। फिलहाल हम सब यहाँ पर उठ चुके हैं मोनिका की बारात के स्वागत की तैयारी करने के लिए। और फिलहाल तो मैं यहाँ पर बिस्तर उठा रहा हूँ और बाहर हो रही भाई टेंट लगाने की तैयारी। और आज बारात भी आनी है, लेकिन बारात आने से पहले भाई बाहर बारिश आ चुकी है और आपको दिखाता हूँ मैं फिलहाल बाहर का मौसम। तो दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हैं बाहर भाई बारिश आ रही है, काफी बूंदाबांदी चल रही है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे फिलहाल सबसे पहले आज बारात आनी है तो बारात के लिए यहाँ पे टेंट ओढ़ा जा रहा है, टेंट की तैयारी की जा रही है। और देख सकते हैं आप फिलहाल वहाँ पे खेमपाल ने ऊपर काफी पानी का सरान किया है और हमें भी भाई यहाँ पे बहुत सारी सब्जी काट ली है और खाना बनाने की तैयारी करनी है। फिलहाल भाई बारिश के साथ तो यहाँ पर टेंट ओढ़ा जा रहा है और साथ ही साथ में यहाँ पर सारे लोग सुबह सुबह यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं गर्म पानी से। और रेनु झाड़ू लगाने के लिए नीचे खेत में जा रही है। तो नीचे खेत में क्यों झाड़ू लगा रही है, ये भगवान जाने या ये रेनु ही जाने। तो फिलहाल तो यहाँ पर गर्म गर्म पानी से सुबह सुबह बर्तन धुले जा रहे हैं कल के। और उस तरह भी दिखाते हैं आपको रसोड़े में क्या हो रहा है। पहली बार भाई मेरे चाचा के हाथ में यहाँ पर काम करने के लिए झाड़ू है, लेकिन चाची बहुत मेहनत कर रही भाई। ये हमारे चाचा जी हैं और ये चाचा जी की जीवन संगनी चाची हमारी। हम आ गए ढंग से बोल भाई, जीवन संगनी तो होता है। तो चाची 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 माँ भाई यहाँ पे। तो भाई फिलहाल यहाँ पर रसोड़ा भी तैयार हो गया है, टेंट इसीलिए लगाया था भाई बारिश होगी तो खाना बनाने के लिए यहाँ पे दिक्कत ना हो। फिलहाल तो भाई यहाँ पर चाचा जी चाची और मेन हमने यहाँ पर कुक बैठा रखे हैं भाई हमारे चाची यहाँ पे। तो यहाँ पे गर्म पानी रख दिया है और चाचा जी को यहाँ पे रसोड़े पे बिठा दिया भाई हमने। चाचा जी बहुत ज्यादा काम करते हैं भाई और पूरा कारोबार चाचा जी के हाथों में दिया होता है गाँव का। गाइस यहाँ पे बारिश तो शुरू हो ही गई है, लेकिन कड़ाके की ठंड भी शुरू हो गई है और ये लड़कियां भी उड़ गई भाई। और ये दुल्हन आंखों को मेहनती हुई पता नहीं कहाँ जा रही है। ये देखो भाई, ये देखो, और इसने पकोड़े खाए होंगे खांदे के और इसने बदला भी चाटा होगा। हमें लग रहा है ये हाथ सोने के होंगे, इसीने बदला चाटा होगा पक्का। इसी वजह से बारिश आ रही है। और अगर मोनिका के साथ न होती तो शायद बारिश न होती, लेकिन आसमान भी बदल ले रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, अपने मेकअप मुकअप के बाद ओके बाय। हाँ अभी देखो ये ऐसे दिख रही है, थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखती है। ये भाई दिव्यांशु भी लगा हुआ है, लगातार ऊपर खाना बनना है तो वहाँ पानी का सरान कर रहा है भाई। तो ऊपर खाना बनना है मेहमानों के लिए, बारातियों के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे तैयारी की जा रही है, पानी का सरान किया जा रहा है। और जी तो भाई भाई बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है और भाई ये जब सो जाता है ना तो उठता ही नहीं है। कल हम आए थे भाई के साथ सोने के लिए, वहाँ एक भाई ने उल्टी कर दी, हम नीचे भाग गए। यहाँ पर फिलहाल बारातियों और गांव वालों के लिए खाना बनाने की तैयारी चल रही है खेतों में और वहाँ पे चूल्हा जला दिया है और अब यहाँ पे खाना बनेगा। और फिलहाल यहाँ पे तिरपाल ओढ़ा जा रहा है ताकि ऊपर से बारिश लकड़ी को गीला ना करे और खाना आराम से बन सके। भाई बाहर बारिश चल रही है और ठंड भी पड़ गई है। फिलहाल हमारे पंडित जी भी आ गए भाई आग सेकने के लिए आराम से। बेजी को क्या भी आज पार गया ना सीधा डायरेक्ट यज्ञ नहीं मिल जाएगा। अच्छा 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 जी। तो भाई किचन के कुछ हाल ऐसे हैं कि यहाँ पर सारे लोगों ने चूल्हा घेरा हुआ है और यहाँ पे भाई मामी जी लोगों को सबसे पहले ऊपर बिठाया गया है। पता नहीं क्या बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं अदरक वाली सर्दी में ठंड में भाई।
हमारा पहाड़ी गीजर। पहाड़ी गीजर क्योंकि उसे ये गीजर चलता है लकड़ियों से, आग से, आग इतना जबरती है। देखो यहाँ पे क्या लगो तुम, हमारे गाँव बढ़िया लगो तुम्हारे गाँव से भाई। लड़की सो रखी है अभी तक और मेरी बुआ जी और मौसी भाई यहाँ पर चाय पी रहे हैं और इसने चेहरा ढका रखा है भाई। और एक ये हमारा भांजा पूसी पुष्कर दामिया सो रखे हैं भाई। जैसे जैसे समय हो रहा है बारात आने का, वैसे वैसे यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। तो अभी ऊपर बरामदे में ही ये सब्जी की कटिंग चल रही है क्योंकि बाहर तो भाई बारिश लग चुकी है और ये बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन अभी भी टेंट का कार्य इतना कुछ हो चुका है तो अभी भी बहुत कुछ डेकोरेट करना बाकी रह गया है। फिलहाल हमारा जो गेट है वो यहाँ पे बना रखा है हम लोगों ने खड़ी के पेड़ के पास। तो बारिश ने यहाँ पर काफी किचविच कर दिया है, पानी पानी हो गया है। फिलहाल यहाँ पे टेंट ओढ़ लिया गया है और वहाँ पर स्टेज भी बना दिया है दुल्हा दुल्हन के लिए। तो अभी तो बारात बहुत दूर है और यहाँ पर चल रही हैं तैयारियाँ। और यहाँ अब हम लोग भाई नाश्ता लगाने वाले हैं, बारातियों के लिए नाश्ता तैयार किया जा रहा है अंदर। और फिलहाल तो यहाँ खाना बन रहा है और यहाँ लकड़ियाँ भी भाई गीली हो गई हैं तो उनके ऊपर तिरपाल भी उड़ा जा रहा है उनके ऊपर। चले जी, बारातियों के स्वागत के लिए हमने यहाँ पे नाश्ता की तैयारी भी कर दी है। तो नाश्ते में हमने बिस्किट बर्फी और पकौड़े ही रखे हैं। फिलहाल जी तो भाई मैं और ये सोनी के हस्बैंड लगे हुए हैं और चाचा जी कारोबारी हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है भाई। तो भाई फिलहाल नीचे गजरे में बारात आ गई है और हम लोग अभी भाई तैयार हो गए हैं। फिलहाल कुछ लोग अभी तैयार हो रहे हैं, ये भाई साहब हमारे अभी कपड़े चेंज कर रहे हैं और हमारे भाई साहब भी हमारे मेहमान, हम लोग भी तैयार हो गए हैं। और भाई साहब छोटा भाई ना, हम बड़े भाई हैं, छोटा भाई भाई देखो जितना ये कपड़ा हो रहा है जितने भाई कहीं लड़की देखो जल्द से जल्द इसकी हम शादी करवा रहे हैं। हम भी तो चलते हैं बारात का स्वागत करते हैं गेट पे। तो बारात आ गई है और यहाँ पर हमने स्टेज भी सजा दिया है, टेंट लगा दिया है और ये तैयारी है हम लोग की यहाँ पे। और बाकी सारे लोग भी यहाँ ऊपर भी आए भाई और कुछ लोग इधर हैं, सब बारात का इंतजार कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर बारात जो स्वागत की तैयारी की जा रही है और जो मेहमान लोग आ रहे हैं उनको चाचा मिठाई लगा रहे हैं। तो चलते हैं गेट पर, क्या हाल चाल है। तो इस तरफ भाई बारात आ रही है और गेट भी सज गया है हमारा। और फिलहाल भाई यहाँ पे काफी क्राउड दिखाई दे रही है हमें। तो ये है भाई यहाँ पर लड़कियाँ और वृद्ध महिलाएं भी और यहाँ पे कुछ लड़के भी खड़े हैं भाई। और वो बारात आ गई है धारे पे यहाँ। और फिलहाल मौसम का हाल ये है, ऊपर कोहरा लगा हुआ है और ऊपर एक खतरनाक कोहरा लगा हुआ है, भगवान न करे कुछ देर बारिश आए। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग ऊपर से आ गए गाँव वाले और कुछ यहाँ पे रिबन कटिंग के लिए तैयार हैं। आपको दिखाते हैं और भी मेहमान लोगों को। तो फिलहाल भाई कुछ लोग यहाँ से देख रहे हैं नज़ारा और कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं बारातियों के स्वागत के लिए। तो चलते हैं भाई रिबन कटिंग की तरफ। तो भाई इस तरफ मेजबान लोग रिबन कटिंग के लिए खड़े हो गए हैं और यहाँ पर भाई दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर भाई पूरी की पूरी वृद्ध महिलाओं की टीम है और लड़कियाँ एक भी नहीं खड़ी हो रखी हैं और लड़की के नाम पे छोटी सी बालिका यहाँ पे। तो फिलहाल ये हमारा स्वागत पोस्टर और इस तरफ दिखाते हैं आपको बारातियों का नज़ारा। यहाँ ऊपर भी भाई बहुत सारे लोग खड़े हो रखे हैं बारातियों के स्वागत करने के लिए और लड़कियाँ यहाँ खड़ी हैं भाई। अरे हमारा मन्नू भाई और टप्पू भाई भाई बारातियों के स्वागत के लिए और वो है भाई दूल्हे साहब उधर। तो भाई यहाँ पर रिबन कटिंग के लिए तो वृद्ध महिलाएं खड़ी हैं। तैयार है ना, तो ये दिव्य है मेरे कटिंग के लिए है। और बाकी
सारा दिन। सारे बराती आधा किलोमीटर रास्ता तय करते हुए, और यह हमारा धारा है भाई, और पटाली का सामान भी आ गया यहाँ पे। और ये है भाई दूल्हे साहब, आपको दिखाते हैं नजारा। तो कुछ लड़कियां भी आई हुई हैं भाई यहाँ पे, लाइव चल रही भाई, लाइव दिव्या लाइव चल रही इंस्टाग्राम पे। और वो एक लड़की की यहाँ पे ठंड से भाई, बहुत ठंड है, और लड़की ने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं। अब लड़कियों की बात है भाई, लड़कियों को ठंड ही नहीं लगती है। और ये हमारे वीडियोग्राफर भाई और कैमरामैन भाई भी लगे हुए हैं अपने काम में। अरे हमारे सतीश भाई, तो पटाली का सामान भाई एक हैंडसम लड़के के पास दे रखा है। तो ये जूते चोरी भी हो चुकी है भाई यहाँ पे, जूतों की चोरी बता रहे। तो दिव्या ने भाई जूते चोरने में भाई सफलता हासिल की है, और उनके जूते बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं था भाई। लड़कियां सारी की सारी पीछे हैं, यहाँ जूता चोरी हो चुका है। बटाली का सामान नीचे गिर गया था भाई, बाल बाल बच्चा। अरे हमारे बड़े भाई वो आगे लड़के, बहुत दिनों बाद पहुंचे भाई जी है। फिलहाल हमारा भी कुछ सब भरा हुआ है, और अभी तो हम थोड़ा जो सफर कर रहे हैं, और उसके बाद है दुल्हन के साथ भी जाना है, तो उसके लिए हमारा अलग ही ड्रेसअप होने वाला है। फिलहाल दूल्हे साहब को घोड़े से उतार दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा संकट है। तो भाई फिलहाल यहाँ पे बारातियों का स्वागत हो गया। कुमड़ा भाई I'm
हे गाइज, आज के ब्लॉग में मैं बस इतना ही दिखाने वाला हूँ और इस ब्लॉग का जो नेक्स्ट पार्ट है मैं न्यू डे पे आपको रिलीज करने वाला हूँ। तो गाइज उस ब्लॉग को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आज का ब्लॉग तो काफी लंबा हो चुका है और आपको भी लंबा ब्लॉग देखना पसंद नहीं है। तो गाइज इस ब्लॉग का जो मजा आने वाला है वो अब नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है क्योंकि उस ब्लॉग में जयमाला होने वाली है और जयमाला के लिए जब लड़कियां भाई एंट्री करती हैं स्टेज पे तो भाई लड़कियां तो सुंदर बन के आती हैं, परियां बन के आती हैं भाई। जैसे ही लड़कियां एंट्री करते हैं वैसे ही लड़के नाचना शुरू कर देते हैं दूल्हे पक्ष से और भाई वहां से स्प्रे और फूल बरसाना शुरू कर देते हैं और जोर जोर से सीटियां बजाते हैं। मतलब इंटरटेनमेंट ही इंटरटेनमेंट होता है और जयमाला पे भी काफी मजा आता है भाई। उसके बाद जो रस्में होती हैं जैसे सात फेरों की, दगड़ी तुड़ाई की, उसमें भी बहुत ज्यादा बहस होती है, बहुत ज्यादा बहस होती है दुल्हन पक्ष और दूल्हे पक्ष के लोगों के बीच में। और तब जाके जो जूता चुराई है, जूते वापस लौटाना और पैसे लेना, उसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है गाइज। और उसके बाद भाई जब लास्ट डोली बिदाई का टाइम आता है तो भाई वो भाव कर देने वाला होता है। वहां पे सारे गांव वाले रोना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, दुल्हन बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। उसके बाद काफी दूर तक मैं उस सीन को भी दिखाता हूँ कैसे डोली बिदाई हो रही है। और उसके बाद हम जब पहुंचते हैं भाई दुल्हन के ससुराल और दुल्हन के ससुराल में भी हमारा बहुत अच्छे से स्वागत होता है। वहां पर वहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था भी करी वहां पे। वहां का हाल मैं आपको जरूर दिखाऊंगा उसी ब्लॉग में। तो गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो अगला ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इससे भी ज्यादा जो शानदार ब्लॉग है, मजेदार ब्लॉग है वो अब आने वाला है नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर लीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको जल्द ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से अनुमति लेते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री राम, जय राधेश्याम।